राणा माजरा जानू का नाम है, जानू के रेकी करा की पलट जाएगा, कुछ नहीं पलटता है, कराना खेल करो ना, कोई नहीं पलटता है भाई, एक वोट नहीं दे सकते, एक बारह का मुंह में एक भी वोट नहीं दे सकते। इकरा किराने के एमपी है, समझे बात, वो इस बात पर ही के इसी धर्म सिंह ने खिलाफ टिकट दुआ था कांग्रेस का, अब की बार पता लग जाएगा ना इतने भी किराना भी तेरे सामने कौन कैंडिडेट होगा मुसलमान ईब का, उसके कोई भी खोते ठीक से समार गए उन्हें यहाँ पता लगता है यहाँ के संभाल के मैं क्यों करे ईब का कैंडिडेट में बड़े तैरते मुझे सामने अच्छा नहीं लगा यहाँ पर क्यों आई हुआ उन्हें सोचना था इतनी बड़ी नेता और यहाँ आई हुआ एक जागती थी हम तो उसका सम्मान करे थे सम्मान होते हुए हर इतना बड़ा काम करे दूसरे प्रदेश मान कर सम्मान उसके कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर के खिलाफ प्रचार करना कैराना सांसद इकरा हसन को महंगा पड़ गया है। जी हां, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समाल का सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र मछरोली का गुपचुप तरीके से प्रचार करने पहुंची थी, जिसको लेकर समालका के मुस्लिम और गुजरों ने ही उन्हें आग दिखा दी है। और इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार करना इकरा हसन को बैकफुट पर ले आया है, क्योंकि उनके खिलाफ गुजरों ने और मुस्लिमों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं समालका के गुजर और मुस्लिमों ने इकरा को लेकर क्या कुछ कहा वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर ने इकरा को लेकर साफ साफ बोल दिया है कि चुनाव के बाद इससे निपटा जाएगा और पूरा हिसाब किताब मांगा जाएगा। वहीं बताते चले कि रविंद्र मछरोली का प्रचार करने से कैराना सांसद की छवि तो धूमिल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपनी सांसद को बड़ी नसीहत दे डाली है। अखिलेश की नसीहत के बाद अब इकरा हसन ने हरियाणा चुनाव से दूरी बना ली है। तो चलिए सुनते हैं समालका के जिस गांव में इकरा प्रचार करने गई थी वहां के मुस्लिमों का क्या कुछ कहना है, और हरियाणा के गुज्जर जो इकरा के साथ थे अब वो भी उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। हम कौन से गांव का है? राणा माजरा जानू का नाम है, जानू के रेकी करा की पलट जाएगा, एक वोट नहीं दे सकते, एक बारह का मुंह में एक भी वोट नहीं दे सकता। अरे उस पर कहा रविंदर मछरोली, अरे रविंदर मछरोली हो या उसका कोई हो चलेगा, हम नहीं देते वोट भाई, स्वयं कांग्रेस के वोट किसी दिन देते भाई, पक्का माने पक्का, इकरा की भी नहीं मानते, इकरा के इकरा का बाप भी कबर मत आवाली कर जीव नहीं देते उसके, कहते बोल के कहो है फिर बलाई क्यों थी? अरे बलाई उन्हें थी मछरोली ना, ताली तो तमी पीट रहे थे, हम नहीं पीट रहे थे, हम तो यहाँ पीट रहे ताली कांग्रेस में करे क्या रविंद्र मछरोली लड़े ना, कुछ भी नहीं करे, कोई से काम में नहीं बनेगा, देख जाएगा देख क्या क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं धर्मेगी टक्कर में, ठीक है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कोई नहीं टक्कर। इकरा आई थी तुम्हारे यहाँ? इकरा आई थी, इकरा के बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्यों नहीं है बस, इकरा यूपी की है, यहाँ इलेक्शन हरियाणा में चल रहा, एक तो वो तो मेहमान के तौर पर आ गई थी चली गई, जोर तो लगा रही थी धर्म को हराने के, कुछ नहीं धर्म सिंह तो हारता ही नहीं, कितने जोर लगा लो भाई, तो भी जोर लगा रही थी, मेरा भाई आयु भाई तू भी जोर लगा रहा है, यूपी का होगा है भाई, तो भी यूपी का है, तो तुमने सोचा इकरा बहुत कुछ है, इकरा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं ना ना कुछ नहीं, इकरा मारे यहाँ भाई, हाँ यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, भाईचारा चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आवेगी कांग्रेस बनेगी। मेरी बात सुन एक मिनट, इकरा किराने के एमपी है, समझे बात, वो इस बात पर आ रही के इसी धर्म सिंह ने खिलाफ टिकट दुआ था कांग्रेस का, अब की बार पता लग जाएगा ना इतने भी किराना भी तेरे सामने कौन कैंडिडेट होगा मुसलमान ईब का, उसके कोई भी खोते ठीक से समार गए उन्हें यहाँ पता लगता है यहाँ के संभाल के मैं क्यों करे ईब का कैंडिडेट में बड़े आला तैरते मुझे सामने, अच्छा नहीं लगा यहाँ प्रचार क्यों आई हुआ उन्हें सोचना था इतनी बड़ी नेता और यहाँ आई हुआ एक जागती थी हम तो उसका सम्मान करे थे सम्मान होते हुए हर इतना बड़ा काम करे दूसरे प्रदेश मान कर करा पार्टी का सम्मान उसके रहा किसी बड़े नेता का सम्मान उसके रहा वह एक छोटा नेता हमारा धर्म सिंह उसने रहने के लिए आती आती है वह एक वोट तोड़ के दिखा दो मान जाए उस नाम लकीर खींच दी क्या लकीर खींच दी पूरे बारह का मोन हरियाणा हरियाणा प्रधान है सुनना मेरी बात इकरा पर कुछ नहीं बिगड़ता हुआ चाहे 50 प्रोग्राम कर लो यहाँ और रविंदर तो भाई बीजेपी पर वालों पता पीछे लेकर इलेक्शन लड़ रहा धर्म सिंह को रहने के लिए बीजेपी ने रखा हाँ किसका वोट दे दो रविंदर दा कांग्रेस की वोट कट देंगी और रविंदर तो हरने आना सोकिस होता है बात बढ़ाना इलेक्शन लड़ा रहा पीछे बढ़ाना मछरोली ने हाँ
क्या बात करते हो, मैं सुनने बड़ा लक्षण डर रहा हर इकरा को भी पीछे देख जा रहे हैं। क्या बात करते हो आप, मैं तो बहुत बड़े पीछे पुजारी है ना आए थी मेरी इकरा भी, उन तो पैसा दो जी सालो उन्हें करना क्या है, वो तो एमपी बन गई भूलता है वो प्रदीप चौधरी तार देता हर कदम वो तार देना 10 बजे के अपने करो। क्या बात कर जवाब वो तो बीजेपी सांसद जी हैं, सांसद है ताली तुम ही बजा रहे थे यहीं हरियाणा में ही, सुन ताली तो तुम ही पीट रहे थे, तो टिकट दे देना 10 बजे के तो जमने करो कोई बात नहीं, वो तो बुलाई क्यों फिर क्यों बजा रहे थे, बुलाई तो रविंद्र ना पीछे दे के लिया, हमने इतना पता नहीं था आगे हमने ताली बजाई कह के आगे बजाई भाई हमने पता नहीं था जी, जैसे इन्हें बुरा हाल करे नहीं मारा इसका बुरा हाल इसका करेंगे अगले इलेक्शन में डंके की चोट पे बिल्कुल कतई पर्ची खिलाफ तो आई है कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रही ये ऊपर लगने ग्रह उठमाओगे नहीं। तो ऐसे में कहा जा सकता है धर्म सिंह छोकर के खिलाफ इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतरना काफी महंगा पड़ गया और अब संभालका की जनता ने ही उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें आपके अपने चैनल खबर पुस्तक के साथ।